भागलपुर बीएन कॉलेज में इस वक्त मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर जो है छात्र छात्राएं जो एडमिशन के लिए आई हुई हैं और यहाँ से बार बार ये शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर जो है ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जो रसीद काट कर दिया जाता है उससे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। हमारे साथ छात्रा हैं बीएन कॉलेज में एडमिशन के लिए आई हुई थी। क्या नाम है आपका? कंचन कुमारी। क्या किस चीज़ के लिए आए हुए थे यहाँ पे? पार्ट वन में एडमिशन के लिए। कितना पैसा लिया आपसे? 1200 रुपये। आप चलान दिखाइए तो अपना चलान निकालिए तो जो था आपके पास। खासकर यहाँ पर चलान जो काटकर रसीद जो दिया जाता है उसमें 1163 रुपये के लगभग जो है कि रसीद होता है और देख सकते हैं यहाँ पर 1163 रुपये का इसमें है और इनसे कितने पैसे लिए गए हैं वो भी आप सुन लीजिए। लगभग कितने पैसे लिए गए आपसे? 40 रुपया। 40 रुपया ज़्यादा, यानी 1163 रुपये आपके रसीद में थे, आपसे पैसे कितने लिए गए काउंटर पर? 1200 रुपया। और रिटर्न, जब पैसे रिटर्न की बात होती है तो क्या बोलते हैं वो? वो बोला कि बाद में दे देंगे, पहले हमसे नहीं बोला था। आपका क्या नाम है? संजना कुमारी। संजना कुमारी, आपका भी 1163 रुपये का जो है रसीद कटा है, आपसे पैसे कितने लिए गए? 1200 रुपया। 1200 रुपये आपने रिटर्न करने के लिए बोला तो क्या बताया गया? ऐसा पहले कुछ बोलते नहीं है, जब कोई बोलते हैं तो बाद में बोलते हैं दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी किसी किसी को देते हैं और किसी को नहीं भी देते हैं। तो खासकर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है ये संजना कुमारी और ये कंचन कुमारी का ये रसीद है मेरे पास और इनमें इसमें जो है 1163 रुपये का जो है वो रसीद काटा गया है और इनसे जो है 1200 रुपये जो है लिए गए हैं। और खासकर यहाँ पर जब बार बार ये शिकायत आ रही थी कि बीएन कॉलेज में जो है अवैध रूप से उगाही की जा रही है कॉलेज कर्मियों के द्वारा, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इस न्यूज़ के बाद कॉलेज प्रशासन जो है क्या संज्ञान लेती है और क्या जो है कॉलेज कर्मियों पर क्या कार्रवाई होती है। विकास कुमार सिंह, सुमित राज के साथ, सिल्क टीवी, भागलपुर।